अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की सहरी हो गई है, अभी 5 बजने वाले हैं। नमाज पढ़ के फिर मुझे काम पे जाना है। तो आज की सहरी में भी ऐसे ही लाइट था जो कल किया था, लस्सी, बनानास, रोटी, बस यही। मुझे लाइट सहरी करना पसंद है। आई नो कुछ लोग हैं जो सुबह भी बिरयानी राइस खाते हैं, बट दैट रियली अपसेट्स योर स्टमक समटाइम्स, और मुझे पसंद नहीं है। सो आई लाइक टू कीप इट लाइट एंड दैट हेल्प्स मी कीप फुल थ्रू आउट द डे। अच्छा होता है अगर आप लाइट सहरी करते हैं, क्योंकि फिर आपको एसिडिटी या गैस का इशू नहीं होता। तो स्पेशली इफ़ यू हैव कर्ड या लस्सी अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस प्रिवेंट्स एसिडिटी एंड कीप्स यू फुल। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई डेट आउट। सो हाई गाइज, टुडे सेकेंड डे ऑफ रमज़ान। टुडे थोड़ा आज सर थोड़ा दर्द हो रहा है। यूजुअली बॉडी अडेप्ट होती है फास्टिंग के लिए, सो इट्स थोड़ा नेचुरल है, तो हो जाता है, तो इट्स ओके। सो आज का कुछ प्लान नहीं है घर में कुछ बनाने का। सादिया कुछ शरबत बनाएगी। सो आज का प्लान एक्चुअली है कि हम बाहर से कुछ लेके आए इफ्तारी के लिए, तो देखते हैं क्या लाएंगे आज। और बहुत सारे फ्रेंड्स जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमें क्वेश्चन पूछते हैं रमज़ान के बारे में। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस है या आप कुछ जानना चाहते हैं रमज़ान के बारे में, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और हम लोग उसे आंसर करेंगे। सो टुडेज़ क्वेश्चन वाज फ्रॉम फ्रेंड ऑफ माइन वाइजा। सो शी वाज आस्किंग व्हाई डू वी ईट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन ब्रेक द फास्ट एट द इवनिंग एट अराउंड 6:30-7 o'clock। So this answer is for you, Aiza. So actually the fast of Ramzan is from dawn to dusk. So basically once the sunset is done, basically it's the daytime we are fasting. So basically the fasting is from dawn to dusk. So early in the morning we have to wake up to prepare our meals, to prepare for the fast. And there's a particular time before which we have to start the fast, which is the dawn. It is not sunrise. But the first rays of the sun that comes on the horizon, so that is the time that we start the fast. So it's very difficult to notice that exact timing, so they use the scientific methods to calculate the time, and we have a particular timetable for the entire month from at what exact time we have to cut off our meals and at what exact time we have to open our fast. सो ऐसा हमें एक टाइम टेबल दिया जाता है, सो दैट इज़ द वे वी फॉलो इट। दिस वॉज वॉट इज़ मैंशनड इन आर होली बुक ऑफ कुरान, सो दिस इज़ वाई वी आर फॉलोइंग इट। फास्ट जो होता है वो दिन के टाइम ही होता है, तो जैसे कि मैंने बताया डॉन टू डस्क। तो कुछ कुछ जगहों पर दिन छोटा होता है या दिन बड़ा होता है, तो यू हैव टू अकॉर्डिंगली फास्ट एज़ पर दैट टाइमिंग। तो कुछ ऐसे भी जगह हैं दुनिया में जहाँ पे 16, 17, 18 घंटे का भी फास्ट होता है, कभी कभी 22 आवर्स का भी फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ रात सिर्फ 2 या 3 घंटे की होती है। जैसे कि नॉर्थ पोल के नज़दीक जो भी कंट्रीज़ होते हैं, जैसे कि नॉर्वे भी, तो वैसे कंट्रीज़ में रोज़ा बहुत लंबा चलता है। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे रात ही नहीं होती, तो उस वक्त नियरेस्ट कंट्री जो होती है, विच एवर इज़ द नियरेस्ट कंट्री, यू टेक देयर टाइमिंग्स एंड यू ब्रेक द फास्ट अकॉर्डिंगली। बट या दीज पीपल हैव अ वेरी लॉन्ग फास्ट एंड क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम हु फास्ट दीज लॉन्ग डेज। एंड या दैट्स इट। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन वाइजा। इफ़ यू गाइज हैव एनी मोर क्वेश्चन जस्ट पोस्ट इन द कमेंट्स में लिखे, और आई विल कीप आंसरिंग दोज एंड ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। So I'm going out and let's see what I can get for iftar today.
so guys, I'm back home and I've got some amazing stuff from my city, Vasco. I went to Royal Taste restaurant and you get amazing stuff over there, especially during Ramzan and especially for Iftar. So by the time I was outside, Sadiya prepared an amazing sharbat at home. Especially during Ramzan, the most famous sharbat is Roohafza sharbat. So she's tried a new recipe of hers, so let's check that out first. Wow, so this is the sharbat Sadiya has made. You can see Roohafza sharbat. Wow. So isme kuch sabzi ke beans hai, some lemon. Unfortunately pudina khatam ho gaya kal ki chutney banate. I did not get any pudina today. Wow, this looks so yum. Can't wait to taste it during iftar. इसमें है चिकन तंदूरी. ओहो हो हो, चिकन कबाब. ये बुंडा है, कौन सा बुंडा? नॉनवेज बुंडा. ये है कोफ्ते, ये है कोफ्ते, और ये है शामी कबाब. शामी कबाब चना मसाला रॉयल टेस्ट से बहुत ही अच्छा लगता है. इसे रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है. और खजूर, केले और नमक, जिसे हम रोज़ा खोलेंगे. दुआ पढ़ ली है. चलिए, रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है, अराउंड 5 मिनट बचे हैं. रोज़ा खोलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर इफ्तारी खाएंगे और मज़ा करेंगे. कमेंट्स में टाइप करके बताएं आप इफ्तारी में क्या क्या खाना पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा हमें ये देख के. सो प्लीज़ कमेंट में ये टाइप कीजिए. और इंसिया खा रही है चिकन. हाय इंसिया, हेलो बोलो. हाय बोलो. हाय हाय. सो आज की इफ्तारी ख़त्म हो गई. सेकेंड डे, बहुत पेट भर गया है. अभी नमाज भी हो गई है. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो में मिलते हैं. तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.